ओके हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में फाइल हैंडलिंग के कुछ प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो आपके सामने शो किया था, उसमें हमने फाइल हैंडलिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। ठीक है, पहले एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे। फर्स्ट जो आपने फंक्शन पढ़ा था वो था एफ ओपन। ठीक है, इन केस अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में दिया हुआ है। ठीक है, आप उसके थ्रू वो प्रीवियस वीडियो आप एक्सेस कर सकते हैं। टूल्स में था एफ ओपन, जिसके थ्रू हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और एक्सिस्टिंग फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगर हमें फाइल के कुछ कंटेंट को रीड करना है, कैरेक्टर को, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एफ गेट सी फंक्शन पढ़ा था हमने। देन अगर इसी को हमें राइट करना है, कैरेक्टर को राइट करना है, तो एफ पुट सी। देन अगर हमें इंटीजर वैल्यूज रीड करनी है तो उसके लिए एफ सॉरी गेट डब्ल्यू। इन केस अगर हमें राइट करनी है इंटीजर वैल्यूज, पुट डब्ल्यू। और फाइल के सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, इन केस अगर हमें क्लोज करनी है फाइल को, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एफ क्लोज। ठीक है, ये बेसिक फंक्शन पढ़े थे। और साथ में अगर इन केस हमें कीबोर्ड से कोई वैल्यूज इंटर करनी हो, तो उसके लिए हम कैरेक्टर इंटर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गेट कैर। ठीक है, अब इसके डिस्क्रिप्शन पे हम नहीं जाते। अगर आपको ये सारी टूल्स के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहिए तो आप इसके इसका प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। हम कुछ प्रोग्राम्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम इज राइट अ सी प्रोग्राम टू रीड डेटा फ्रॉम कीबोर्ड एंड राइट इट टू अ टेक्स्ट फाइल। सिंपल प्रोग्राम है, राइट अ सी प्रोग्राम टू रीड डेटा फ्रॉम कीबोर्ड एंड राइट इट टू अ टेक्स्ट फाइल। ओके, नाउ ट्राई करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h। नेक्स्ट वन, हैश इंक्लूड conio डॉट एच। नाउ void main। ये तो जैसे ही हमें सी का प्रोग्राम मिलता है, सबसे पहले मेरे हमारे माइंड में तीन लाइन आती हैं, stdio डॉट एच, conio डॉट एच एंड देन void main। ठीक है, अब हमें करना क्या है इस प्रोग्राम में, हमें हम कीबोर्ड के थ्रू कुछ कंटेंट इंटर कर रहे हैं और वो कंटेंट हमें एक फाइल में राइट करना है। ठीक है, तो अगर ये कंटेंट हमें राइट करना है तो उसके लिए पहले हमें क्या है, हम अगर कीबोर्ड के थ्रू कैरेक्टर इंटर कर रहे हैं, अभी हम सपोज कर रहे हैं हम सिर्फ कैरेक्टर इंटर कर रहे हैं, तो हम क्या लिख रहे हैं, कैर सी एच, एक वेरिएबल लिया हमने। नाउ फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम अगर हम बनाने जा रहे हैं तो हमें एक फाइल पॉइंटर की रिक्वायरमेंट होती है, फाइल स्टार एफ पी। ओके, नेक्स्ट वन, सी एल आर एस सी आर टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। नाउ सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फाइल को ओपन करना होगा, एफ ओपन। ठीक है, हम किस फाइल को ओपन करना है हमें, ठीक है, तो हम एक फाइल का नेम ले लेते हैं, सपोज टी डॉट टेक्स्ट। ओके, हमें क्या करना है यहाँ पे, राइट करना है, तो हमने क्या किया, इस फाइल का मोड बिट क्या रखा है, राइट। ध्यान से देखिए, कीबोर्ड के थ्रू हम जो भी इंटर करेंगे तो हमें फाइल में उसे राइट करना है, तो पहले हमने एक फाइल पॉइंटर क्रिएट किया और उसके बाद हम फाइल को ओपन करने जा रहे हैं। ठीक है, हम ये न्यू फाइल बनाने जा रहे हैं, तो एफ ओपन पहले सर्च करेगा, इस नाम की कोई फाइल नहीं है तो क्या करेगा, एक न्यू फाइल क्रिएट करेगा और उसका मोड बिट क्या है, राइट मोड, और इसका एड्रेस हम किसको दे रहे हैं, फाइल पॉइंटर एफ पी को। ठीक है, नाउ इन केस अगर ये फाइल ओपन नहीं होती, ठीक है, तो एफ ओपन क्या रिटर्न करता है, नल रिटर्न करना है, तो हमें चेक करना है एफ पी इक्वल इक्वल्स टू व्हाट, नल। ठीक है, अगर एफ पी नल रिटर्न करता है तो हम एक मैसेज दे सकते हैं, फाइल कैन नॉट बी क्रिएटेड। ओके, नेक्स्ट वन, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, गेट सी एच। ठीक है, जैसे ही आप कोई की प्रेस करेंगे कीबोर्ड के थ्रू,
तो नेक्स्ट कमांड क्या लिख रहे हैं, एग्जिट जीरो, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, कीबोर्ड के थ्रू जो भी कैरेक्टर एंटर कर रहे हैं हमें फाइल में राइट करना है। तो अगर फाइल ही क्रिएट नहीं होगी तो हम कीबोर्ड से इनपुट का कोई मीनिंग नहीं है, तो हम उस प्रोग्राम को तुरंत ब्रेक कर देंगे। तो अगर हम एग्जिट जीरो यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी, हैश इंक्लूड प्रोसेस डॉट एच, प्रोसेस डॉट एच। ये जो आपका फंक्शन है एग्जिट, ये किसमें डिफाइंड है, प्रोसेस डॉट एच, प्रोसेस डॉट एच हेडर फाइल में डिफाइंड है। ओके नाउ नेक्स्ट, अब हमें यूज़र के थ्रू हमें कुछ इंट्रीज करनी है, तो हम एक मैसेज देते हैं, इंटर सम टेक्स्ट एंड प्रेस कंट्रोल जेड। ठीक है, हम फाइल को क्लोज करने के लिए, एंड ऑफ फाइल शो करने के लिए हम कौन सी की प्रेस करते हैं, कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं। ओके नाउ वन बाय वन हम कैरेक्टर प्रेस करेंगे, और कैरेक्टर को रीड करने के लिए हम गेट कैर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे, और गेट कैर क्या रिटर्न करेगा, कैरेक्टर रिटर्न करेगा, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाया है कैरेक्टर। ठीक है, उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए, नाउ सी एच इज इक्वल टू वॉट, गेट कैर, ये अभी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कैसे वर्क करता है। जैसे ही यूजर कोई कैरेक्टर इंटर करेगा, गेट कैर क्या करेगा, वो कैरेक्टर रिटर्न करेगा। ठीक है, और उस कैरेक्टर को हम किस में रिटर्न करेंगे, किस में स्टोर कर रहे हैं, सी एच वेरिएबल में, सी एच इज अ कैरेक्टर वेरिएबल। ओके, कब तक रीड करेगा, जब तक हमें एंड ऑफ फाइल नहीं मिलता, नॉट इक्वल टू वॉट, ई ओ एफ, ई ओ एफ इज एंड ऑफ फाइल। ओके नेक्स्ट वन, अभी हमने डिस्कस किया था अगर हमें फाइल में कैरेक्टर राइट करना है तो हम क्या लिखते हैं, एफ पुट सी, कंटेंट किस में अवेलेबल है, वेरिएबल सी एच में। ठीक है, जो भी कैरेक्टर यूजर ने कीबोर्ड के थ्रू एंटर किया है वो किस में स्टोर है, सी एच, और किस फाइल में हमें उसे राइट करना है, फाइल एफ पी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यूजर ने कोई कैरेक्टर एंटर किया, वो किस कैरेक्टर, कैरेक्टर को हम कैरेक्टर वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं सी एच, नेक्स्ट उस कैरेक्टर को हम फाइल में राइट कर रहे हैं। ठीक है, यही हमारा टारगेट था। नाउ जैसे हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, हमने पहले ही डिस्कस किया था आपसे, हम फाइल को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है, किस फाइल को क्लोज करना है, एफ पी। ओके नेक्स्ट वन, हमने इस फाइल को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो एक मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट एफ स्लैश एन फाइल क्रिएटेड। ठीक है, अदरवाइज अगर आप मैसेज नहीं देते तो पता नहीं चलेगा कि क्या ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, गेट सी एच, नाउ एंड ऑफ मेन। ओके नाउ इस कोड को एक बार एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, क्या ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। सपोज ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, तो हम इसे सेव कर रहे हैं पी डॉट सी पी पी और पी वन डॉट सी पी पी, पी वन डॉट सी पी पी। ओके, अब इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे हमारे सी के डिफॉल्ट फोल्डर में, दैट मीन्स सी टर्बो सी, सी टर्बो सी थ्री, देन बिन। ठीक है, हमने सेव कर लिया पी वन डॉट सी पी पी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके ऑल्ट एफ, हमें न्यू फाइल ओपन करनी है,
प्रोग्राम का नाम है p1.cpp। ओके अब एक बार ट्राई करते हैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की। नाउ इंटर सम टेक्स्ट एंड प्रेस कंट्रोल प्लस जेड की। नाउ हमने लिखा वेलकम इन सी, ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। ओके और इसके बाद हमने क्या प्रेस कर दिया, कंट्रोल जेड। जैसे ही आप कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे एक एरो की शो करेगा, स्पेशल सिंबल, और इसके बाद हमने क्या कर दिया, इंटर कर दिया। ठीक है तो गेट केयर ने क्या किया, वन बाय वन सारे कैरेक्टर को रीड किया और उसे फाइल में स्टोर कर दिया। ठीक है और फाइल का नेम क्या है, t.txt। और जैसे हमने एंटर किया फाइल का एक मैसेज आ गया, फाइल क्रिएटेड। ठीक है एक बार चेक करते हैं हमने अभी जो फाइल क्रिएट हुई है की है क्या वो क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही। बाय डिफॉल्ट जो उसका स्पेस होता है वो होता है c:\turbo_c3 bin। ठीक है देखिए अभी हमने नेम दिया था t.txt। ठीक है हमने यहाँ पे क्या लिखा था, t.txt। ठीक है तो यहाँ एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो रही है, चेक कर लेते हैं क्या ये प्रॉपर फाइल है या नहीं है। ओके ध्यान से देखिए हमने जो अभी इनपुट दिया था, वेलकम इन सी, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है तो आई होप आपको ये फर्स्ट प्रोग्राम क्लियर होगा। ठीक है नाउ इस प्रोग्राम में हमने सिर्फ कंटेंट को राइट किया है, यूजर ने जो भी कीबोर्ड के थ्रू कैरेक्टर्स एंटर किए हैं हमने वो सारे कैरेक्टर्स वन बाय वन फाइल में राइट कर दिए। नाउ सेकेंड प्रोग्राम क्या है, राइट अ सी प्रोग्राम टू रीड डेटा फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल। अब जस्ट रिवर्स ऑर्डर फॉलो करना है, हमने कंटेंट को स्टोर तो कर दिया, अब हमें उस फाइल को रीड करना है। ठीक है तो यहाँ पे कुछ सेम लाइंस होंगी तो उसे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है ध्यान से देखिए कुछ हेडर फाइल्स हैं, cd.io.h, conio.h, देन process.h, जो भी प्रीवियस एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट कैरेक्टर वेरिएबल, देन फाइल पॉइंटर के लिए फाइल *fp। नेक्स्ट वन फाइल को ओपन करना है, हाँ बस यहाँ ध्यान रखिएगा हमने प्रीवियस केस में क्या करना था, फाइल को राइट करना था, अब हमें क्या करना है फाइल को रीड करना है, तो मोड वेट क्या हो जाएगी, आर। ओके अभी क्या करेगा, इस फाइल को सर्च करेगा, फाइल का नेम क्या है, t.txt। ठीक है इन केस ये फाइल अवेलेबल नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, फाइल कैन नॉट बी क्रिएटेड। ठीक है तो क्या ये मैसेज प्रॉपर है, क्योंकि रीड मोड में हम फाइल को सिर्फ रीड करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, फाइल नॉट अवेलेबल, फाइल नॉट अवेलेबल। ठीक है गेट ch एंड एग्जिट 0। ठीक है यहाँ तक तो क्लियर है। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें कंटेंट को रीड करना है, तो हम एक मैसेज टाइप कर लेते हैं, कंटेंट्स ऑफ द फाइल इज /n। नाउ हमने जो फंक्शन पढ़ा था एफ गेट सी क्या करता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है फाइल को, और फाइल में एन नंबर ऑफ कैरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है तो हम क्या करेंगे, उस कैरेक्टर को स्टोर करेंगे एक कैरेक्टर वेरिएबल में, हमने इसीलिए ऊपर एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया है कैर ch। ठीक है ch इज इक्वल्स टू एफ गेट सी। ठीक है किस फाइल से रीड करना है, फाइल fp। ठीक है ध्यान से देखिए एफ गेट सी फंक्शन क्या करता है, फाइल को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है। ठीक है फर्स्ट कैरेक्टर से लास्ट कैरेक्टर तक। ठीक है और जैसे ही वो कैरेक्टर रीड करेगा, वो कैरेक्टर हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, वेरिएबल ch में। ठीक है कब तक रीड करेगा, जब तक उसे एंड ऑफ फाइल नहीं मिलता, एंड ऑफ फाइल के लिए हम क्या यूज करते हैं, eof। ओके नाउ हमने वन बाय वन कंटेंट को रीड कर लिया, अब हमें क्या करना है, हमें उस कंटेंट को
प्रिंट करना है, ठीक है। नॉर्मल स्क्रीन में हम कंटेंट प्रिंट करना चाहते हैं। नाउ स्लैश एन, अगर एसटीएस प्रिंट करना है तो परसेंटेज सी लिखेंगे। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करना है, किस वेरिएबल में स्टोर है, वेरिएबल सी एच। नाउ हमने इस वाइल लूप को क्लोज कर दिया। ना सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो गए तो हमें क्या करना है, सॉरी फाइल को क्लोज करना है, fp। ना get ch एंड देन एंड ऑफ मेन, ठीक है। एक बार ट्राई करते हैं इस प्रोग्राम को, क्या ये प्रोग्राम प्रॉपर है या नहीं है। ये हमारा सेकंड प्रोग्राम है तो हम इसे p2.cpp से सेव कर रहे हैं। फाइल नेम इज p2.cpp। नाउ ट्राई करते हैं क्या ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। नाउ फाइल नेम इज p2.cpp। ओके रन कर रहे हैं, ध्यान से देखिए हमने अभी जो इससे पहले प्रोग्राम में हमने एक फाइल बनाई थी t.txt, उसी फाइल को हम रीड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उस फाइल में हमने क्या राइट किया था, वेलकम इन सी, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। और ध्यान से देखिए कंटेंट ऑफ द फाइल, उसी हम फाइल को रीड करने जा रहे हैं, उस फाइल का कंटेंट क्या है, वेलकम इन सी, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। ओके आई होप आपको ये दोनों प्रोग्राम समझ में आए होंगे। मैं थोड़ा सा स्लो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रीजन है फाइल एंडिंग के प्रोग्राम में इनिशियल लेवल पे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आज का लास्ट प्रोग्राम जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है राइट अ सी प्रोग्राम टू रीड डेटा फ्रॉम कीबोर्ड एंड राइट इट टू अ टेक्स्ट फाइल एंड काउंट एंड प्रिंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ फाइल, ठीक है। यहाँ पे जो प्रीवियस टू प्रोग्राम्स हैं दोनों को हम क्लब करेंगे, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, कीबोर्ड से एंट्री करनी है, उसके बाद हम उस डेटा को राइट करेंगे फाइल में, देन सेम डेटा को हमें रीड करना है और साथ में कैरेक्टर काउंट करने हैं, ठीक है। ओके स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस कंटेंट को हमें एज इट इज कॉपी करना है, ध्यान से देखिए हेडर फाइल्स, लास्ट टू केसेस में हमने सेम हेडर फाइल यूज की, वॉइड मेन देन कैरेक्टर सी एच फाइल पॉइंटर स्टार एफ पी सी एल आर एस सी आर। नाउ अब हमें क्या करना है, कीबोर्ड के थ्रू एंट्री करनी है और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर राइट करना है। तो हमने फाइल को ओपन किया किस मोड में, राइट मोड में, ठीक है। नाउ हम यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हैं, सपोज t1.txt। ओके इन केस अगर फाइल ओपन नहीं होती है तो हम क्या लिखेंगे, फाइल कैन नॉट बी क्रिएटेड। ओके नाउ सेम कंटेंट हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि हमें फाइल राइट करनी है। printf enter some text and press controls plus z key. Now ch equals to get char not equals to eof, then f put c ch equals to fp, और जैसे ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा हम एक मैसेज दे देंगे फाइल क्रिएटेड, ठीक है। जो प्रीवियस कंटेंट था वो हमने एज इट इज कॉपी किया है, कोई चेंज नहीं किया, जो फर्स्ट प्रोग्राम था हमारा, ठीक है। नाउ क्या हुआ, कीबोर्ड से हमने एंट्री की, उस पूरे के पूरे कंटेंट को हमने क्या कर दिया, एक फाइल में राइट कर दिया। इस बार फाइल का नेम क्या है, t1.txt, ठीक है। नाउ सॉरी हमने टेक्स्ट की जगह txt कर दिया था, आप txt कर लीजिए, ठीक है। नाउ हम फाइल को राइट करने जा रहे हैं, राइट कर लिया, अब हमें क्या करना है, उसी फाइल को रीड करना है और नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करने हैं। तो फिर से हम कोड को कॉपी करने जा रहे हैं, इस बार हमें फाइल को ओपन करना है किस मोड में, रीड मोड में। इन केस फाइल अगर ओपन नहीं होती तो क्या मैसेज देंगे, फाइल नॉट अवेलेबल, ठीक है। देन कंटेंट्स ऑफ द फाइल वन बाय वन हमें कंटेंट भी प्रिंट करना है, ठीक है।
लेकिन साथ में यहाँ एक एडिशनल लाइट ऐड कर दी है। क्या करना है हमें, कैरेक्टर काउंट करना है, ठीक है। काउंट एंड प्रिंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ फाइल, जो अभी हमने कोड लिखा है उसके हिसाब से क्या होगा, कंटेंट्स ऑफ द फाइल इज, हमने वन बाय वन कैरेक्टर को रीड किया और प्रिंट कर दिया। इसके साथ हमें क्या करना है, कैरेक्टर को काउंट भी करना है। तो हम यहाँ एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं सी प्लस प्लस, ठीक है। तो सी की इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, हम काउंट कर रहे हैं कैरेक्टर, सी इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज कर दिया। और जैसे ही वन बाय वन हम कैरेक्टर रीड करेंगे, हम सी की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं सी प्लस प्लस, एंड देन उस कैरेक्टर को प्रिंट कर रहे हैं। और जैसे ही टास्क कंप्लीट हो जाएगा, हम उस फाइल को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हैं, सो स्लैश एन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन फाइल इज इक्वल्स टू इंटीजर होगा, परसेंटेज डी यूज कर रहे हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। वेरिएबल क्या यूज किया है, सी। नेक्स्ट वन गेट सी एच, और हमने क्या कर दिया, एंड ऑफ मेन, ठीक है। वही सेम प्रोग्राम है, ठीक है, बस हमने एक सिंपल लाइन ऐड की है सी प्लस प्लस, बाकी कंटेंट एज इट इज है। यहाँ पे हम एक साथ रीड और राइट दोनों टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा थर्ड प्रोग्राम है, तो इसे हम P3 नेम से सेव कर रहे हैं, P3.cpp। नाउ P3 सेम फोल्डर में हम कॉपी करेंगे, सी टर्बो C3 देन बिन। ट्राई करते हैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। नाउ ऑल्ट एफ ओपन P3, ओके। नाउ इंटर सम टेक्स्ट एंड प्रेस कंट्रोल प्लस जेड, ओके। नाउ फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम, ओके। हमने ये कंटेंट राइट किया, नेक्स्ट एंटर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल जेड प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। नाउ फाइल क्रिएटेड, नाउ फाइल नॉट अवेलेबल, ओके। क्या रीजन है ये फाइल अवेलेबल नहीं हो रही है, ठीक है। रीजन है, जब हमने इस फाइल को क्रिएट किया उसका नाम क्या दिया था, t1.txt, और जब हम उस फाइल को रीड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, t.txt। तो हमें नेम सेम रखना पड़ेगा, तो हम क्या लिख रहे हैं, t1.txt। एक बार फिर से एक्सिक्यूट करते हैं। नाउ फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम, नाउ कंट्रोल जेड एंटर। ध्यान से देखिए, फाइल क्रिएटेड, ये पूरा का पूरा कंटेंट राइट हो गया फाइल में। देन कंटेंट्स ऑफ द फाइल इज, हम उस कंटेंट को रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंटेंट क्या लिखा था हमने, फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम। नाउ द नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट इन फाइल इज, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने टू स्पेस भी यूज किए हैं, जब हम कैरेक्टर काउंट कर रहे हैं उसमें वाइट स्पेस भी काउंट होता है। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने, 21, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लीजिए कि जो आपने फाइल क्रिएट की है, क्या वो फाइल अवेलेबल है उस प्रॉपर प्लेस पे। फाइल का नेम था t1.txt, ध्यान से देखिए, t1.txt नेम इज फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम, जो अभी हमने वहाँ पे मेंशन किया था, ठीक है। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे थोड़े हाई लेवल के प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।